हमारे तो काम एक नहीं होने का बांधकाम का गौंडिया आए साले नहीं होता बोल को वापस गए। मालूम क्या हाइट बहुत है, ये परंचा नहीं है क्या नहीं है बोल के, क्या अभी क्या बोलने का चांद। काम करने वाला आदमी कैसा भी काम करता, उनका मूडच नहीं था काम करने का, तो अपन तो क्या करने का। चलो देखेंगे ऊपर वाला कब खत्म करते काम ये बांधकाम का। नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एक और नए और बेहतरीन एपिसोड में। पिछले दो दिन से जो है अपने गोंडी लोगों को छुट्टी है, मेन काम जो है बांधकाम का वो बचेला है, तो वो ख़त्म हुए तक जो है स्लैब का काम शुरू नहीं होने वाला है, तो गोंडी भी नहीं आने का। देखेंगे बोलते क्या होता है क्या मालूम, आज अगर आए तो अच्छी बात है ऊपर वाले के फजल से। सब गई को पाड़ी को बंदे भिंडिया में चरने के लिए। अभी जो है सबसे पहला सुबह सुबह गजरा घास ले कोएंगे, फिर उसके बाद जो है अपने को मुर्गियाँ छोड़ने आती। तो कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, बादशाह भाई तू दिखलावे के लिए कर रहा है ये सब वीडियो, लोगों को लगना तो काम करता है। देख भाई मुझे किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं काम करता नहीं करता, क्योंकि सब लोगों को मालूम है ना बादशाह भाई भी काम करते हैं। सिर्फ मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा कि किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन होता, किस प्रकार से जो है फार्म हाउस पर काम होते, किस प्रकार से जो है पूरा संभालना पड़ता तो सब एक मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा, क्योंकि और मुझे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं ना एक्सपीरियंस शेयर करने का। आगे जाको मैं अगर जॉब को लग गया तो वहाँ की एक्सपीरियंस अलग है, फार्म हाउस की एक्सपीरियंस अलग है, अभी कंस्ट्रक्शन की एक्सपीरियंस अलग है, तो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस को जो है मैं शेयर करना चाहता, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा। इसके अलावा मेरा कोई हेतु नहीं है। तो चलो देखेंगे बोलते पहला गजरा घास तोड़ेंगे, फिर उसके बाद बाकी काम करने आते। चलो भाई मुर्गिया देखते देखते पानी मारने का काम मिले, पानी जितना मारेंगे उतना भारी होता है। वह तो गौंडिया भी आई लेकिन उन्होंने बोल रहे इतने हाइट पर बंदे का होता नहीं, परंचा वगैरह बंदो बोल रहे हैं यहाँ पर कोई सामान रखे नहीं। तो देखेंगे अभी अब्बा को भी बुलाए थे, अब्बा को रिके में ही, और वो जो मिस्त्री हैं ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले उनको भी बुलाएं, आतुकर को बोलें दोनों जने। चलो देखेंगे क्या होता है। वही तो बहुत स्लो चले यार ये फालतू के, तो एक 20-25 मिनट का 30 मिनट का काम है, वत्ते के वस्ते दुनिया की किरकिरी चालू है। वही तो चलिए अल्लाह की मर्जी, चलो देखेंगे क्या होता। चलो भाई लोग दूध लेकर आया था वो असंग को, गाड़ी में का गैसेज खत्म हुआ, चौड़ेश्वरी मंदिर करने से यहाँ तक हौ ढकल लेते लाया मस्जिद तक, अच्छे का रोड तक एकदम वाट लक हो गई यार। अभी कैसा जाने का समझ में नहीं आ रहा, अब्बा को बोलिया तो रास्ते तक ले को आ, देखता मैं वहाँ से आ को लेकर जाता तुझे बोले भाव तो उगड़े यार, किस्मत की माँ भान मिली है मेरे, बहुत बेकार किस्मत चली ले, क्या करने का। सुबह से काम कर रहा अभी तक नाश्ता नहीं क्या नहीं खाना नहीं, और ऊपर से ये अभी एक हैरान, और लोग क्या बोलते हैं मैं दिखलावे का असर करता जो कुछ भी करता हूँ, माँ काम दिमाग ख़राब हो गया अभी। चलो देखेंगे क्या होता, अभी और ढगल लेते लेकर जाना इसे। 11:30 बजे अभी तक अब्बा आए नहीं, अब्बा आए सॉरी आए थे ट्राई करे गाड़ी गैस लगाने के बाद भी चालू नहीं हो रही, क्या वे क्या मालूम आज का दिन आज ख़राब है लगता है मुझे, हाथा दुख रहे मेरे, कितनी दूर से ढकल लेते ले गए, ये चढ़ है सब जगह गाँव में वर्सिंग में बहुत ज़्यादा उगड़े यार, नहीं बोले तो भाई कितनी दूर से ढकल लेते हैं इसमें, खाना नहीं खाया और मैं सुबह को 6:30 बजे से काम चालू है खेत में, क्या तो क्या मेरे साथ क्यों था यार, उगड़े बहुत ज़्यादा उगड़े। तो फिर भाई लोग पूरा वाट लगी थी आज तुम्हें देखे, बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करे, बहुत ज़्यादा जो है हैरान हुए आज सुबह से, गाड़ी ढकल दे लाना उतना भी सोपा नहीं यार, वो गौ में ऐसी वो भी और चढ़ इतना गंदा है ना इसका वो असंगों का एकदम वाट लग को जाती। तो चलो पापा मदद करे अपने को, गाड़ी को पवन लगे उन्होंने पीछे से और गाड़ी जो है ढकल लेते यहाँ तक ले को अपन मतलब बाड़े में लगा को ला को रखे, फिर उसके बाद जो है उन्होंने माशाल्लाह तरीके से वहाँ से मुझे गाड़ी पर यहाँ खेत तक ले को है। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी यार सुबह शिले को 12:30 बजे अपने को पूरा काम ख़त्म है तक, तो 12:30 बजे तक क्या भी खाए नहीं थे, तो चक्कर आने की थी बोल के पहला खाना खा को सोया, मम्मी अभी भी गुस्सा कर रही है नहा ले करके, तो मगरिब तक जो है आंग धोएंगे बोलते हैं, अभी काम आई ना अभी पानी मारने का है अभी और एक बार, फिर उसके बाद अभी मुर्गिया देख रहे हैं और चारा लाने का है, तो और आंग गंदा छोता है मगरिब के टाइम को आंग धोएंगे बोलते मस्त में है क्या नहीं। तो चलो देखेंगे और क्या काम चले।
बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, आप जिंदगी में कपड़ों को, खाने को और गाड़ियों को बहुत बार खरीद सकते हैं, मगर अपना घर जिंदगी में केवल एक ही बार बनाते हैं। अगर हम जिंदगी में एक ही बार घर बनाते हैं तो उसे मजबूत, टिकाऊ और शानदार होना चाहिए, और अगर उसे शानदार बनाना है तो घर बनाने की सामग्री भी उतनी ही जानदार, विश्वासु और टिकाऊ होनी चाहिए। तो हमें ऐसा विश्वासु और टिकाऊ सामान कहाँ मिलेगा? इसके लिए हम किस पर विश्वास करें? हमारे पास आपके सभी सवालों का केवल एक ही जवाब है, और वो है मुख्तार रहमान कुरैशी जी का यूनाइटेड ट्रेडर, जो सोलापुर अक्कलकोट हाईवे वरसंग गांव में सुबह 7:30 से शाम 7:30 तक हर रोज मौजूद है। हमारे यहाँ आपके लिए शानदार और टिकाऊ क्वालिटी का बेहतरीन काली का स्टील पाइप पट्टी मौजूद है। हमारे यहाँ उत्तम कंपनी के पत्रे मौजूद हैं। हम सीमेंट का भी व्यापार करते हैं। हमारे यहाँ अल्ट्राटेक, सागर, जुआरी और चेटीनार जैसे बड़े सीमेंट ब्रांड मौजूद हैं। हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग के लिए डॉक्टर फिक्सिट और अल्ट्राटेक का लिक्विड भी मौजूद है। हम आपके सपनों के घर को बनाने की सभी जरूरतों को सुपर फास्ट तरीके से पूरा करेंगे। अगर अपने सपनों का घर बनाना है तो यूनाइटेड ट्रेडर्स वर्सन का ही मटेरियल इस्तेमाल करना है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें हमारे मोबाइल नंबर पर, जो है 8483907373, या हमारे शॉप को भेंट दें यूनाइटेड ट्रेडर्स सोलापुर अक्कलकोट हाईवे वर्सन गांव के पास। आपके सपनों के घर को असल जिंदगी में खड़ा करना, यही हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। चलो भाई लोग, अब बीच पूरा पानी वगैरह मारे और बारिश चालू हुआ। बारिश चालू हुआ तो लगी छो में जाने की कोशिश करते मुर्गियाँ। वही तो, अभी अपने को चारा लाने का यार, परसों जैसा और बारिश में भिजते जो है चारा लाना पड़ता लगने ही होगा। अम्मी अब बीच गई थी बाग में, जहाँ ये अपने बेल बंधने के लिए द्राक्षे के, लगी बारिश चालू हुआ, बहुत उगड़ यार। देखेंगे, बादल नहीं रहते यार, पूरे बादल तो आना, वही तो फुल बादल भी नहीं, थोड़ा थोड़े बादल ही, लेकिन त्रास बहुत दे रहे। वही तो बारिश पड़ को, हमारा तो काम एक नहीं होने का, बांध काम का गौंडे आए साले, नहीं होता बोल को वापस गए, मालूम क्या हाइट बहुत है, ये परंचा नहीं है, क्या नहीं है बोल के, क्या अभी क्या बोलने का जान। काम करने वाला आदमी कैसा भी काम करता, उनका मूडच नहीं था काम करने का, तो अपन तो क्या करने का। तो चलो देखेंगे ऊपर वाला कब ख़त्म करते काम या बांध काम का। चलो चलो भाई, इतनी मिट्टी यहाँ पर है सो निकालने का। अभी ये अनाज के डब्बे ही ना दोनों, तो अनाज के डब्बे के लिए मिट्टी पड़ी बहुत है, वो पाया खोदते टाइम को सब मिट्टी जो है इधर बाजू सरका खुलेंगे बोलते तो वो गंजते नहीं, इन्हें तो नीचे गंज को गया तो फिर खराब होने वाले डब्बे है। अभी बांधकाम होने के बाद इनको पेंट मारने वाले बांधकाम के साथ, तो देखेंगे। पहला ये मिट्टी काटेंगे, मम्मी पापा बोल रहे थे मिट्टी निकालेंगे, मुर गया तो क्या, वो कोपरे में जाकर बैठी, तब तक मट्टी निकाल को फेंकता, बारिश भी बंद हुई अच्छे तरीके से। ये था निकालने के बाद मुर्गिया को, उनको ये अपना कटजारी लाने आते हैं। चलो तो फिर चलो भाई लोग, बहुत ही शानदार तरीके से दिन गया, बहुत ही ज़बरदस्त जो है मौसम वेला है, मतलब बारिश पड़ते गया ऐसा वेला है। अभी भी जो है बांध काम का कोई काम नहीं हुआ, आज भी जो है गौंडे आए नहीं, आपको जो है तुम्हें देखे थे वापस गए दोपहर में, तो बहुत ही बेकार वेला है। ऊपर वाले की फसल से अलग ही मर्जी, देखेंगे कब क्या होते। तो चलो, अगर आपको ये पूरा काम पसंद आया है तो इसे लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बताओ। जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को, ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस को, ब्लॉग्स को, एपिसोड्स को, सीरीज़ को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करो, क्योंकि हाँ, 2-3 दिन सलग मेहनत करने के बाद जो है सब जने आने के बाद थोड़ा आज आराम करने में अच्छा लगा। तो फिर चलो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।